हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको हीरो की पैशन प्रो और होंडा की लीवो 110 दोनों का फुल कंपैरिजन मिलने वाला है। साथ ही इसका ऑन रोड प्राइस भी बताऊंगा, जो कि वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलेगा। उसके पूरे आपको हर एक चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी, दोनों बाइक से रिलेटेड, इसका माइलेज, कलर, हर एक चीज़। तो वीडियो को आप लास्ट देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे दोनों के कलर को लेकर। तो होंडा लीवो में आपको चार कलर ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट एथलेटिक ब्लू मेटालिक, सेकंड मैटी एक्सिस ग्रे मेटालिक, थर्ड एम्पीरियर रेड मेटालिक एंड फोर्थ ब्लैक। वही पैशन प्रो में पांच कलर ऑप्शन मिल रहे हैं। यहां पे एक कलर ऑप्शन आपको ज्यादा मिल रहा है होंडा लीवो से। जो फर्स्ट कलर ऑप्शन है वो है ग्लेज ब्लैक, सेकेंड स्पॉट रेड, थर्ड है मून येलो, फोर्थ है हेवी ग्रे मेटालिक, फिफ्थ है टेक्नो ब्लू। अगर फ्रंट की बात करें तो होंडा लीवो और हीरो पैशन प्रो दोनों की लुक काफ़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त है। दोनों ही स्पोर्टी लुक में आ रही है। यहाँ पर पैशन प्रो का हेडलैम्प थोड़ा सा ग्लैमर से सिमिलर लग रहा है, वही होंडा लीवो पैशन प्रो से ज़्यादा स्पोर्टी दिखता है। होंडा लीवो के वाइजर पर आपको होंडा का स्टिकिंग की गई, जिसमें कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में होंडा लिखा हुआ है। वही हीरो के पैशन प्रो के वाइजर पर हीरो की 3D लोगो लगा हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। दोनों ही बाइकों में आपको हैलोजन लाइट देखने को मिल रही है। वही बात करें फ्रंट टर्न इंडिकेटर राइट की, तो यहां पर हीरो पैशन प्रो में स्ट्रिक्ट इंडिकेटर लगी हुई है, जबकि होंडा लीवो में आपको स्टेचुअल टाइप की यानी कि लचीरा इंडिकेटर लगा हुआ है, जिससे आप किसी भी प्रकार से मोड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है। वही अगर साइड पोर्शन से देखें तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हीरो पैशन प्रो के फ्यूल टैंक पे बड़ा सा प्रो लिखा हुआ है, वही होंडा लीवो के टैंक पर भी बड़े अक्षरों में लीवो लिखा हुआ है और ग्राफिक्स दिया हुआ है होंडा लीवो का, जो कि दोनों ही काफ़ी खूबसूरत लगती है। वही हीरो पैशन प्रो के बीच वाले भाग में i3s की बैजिंग की गई है, वही होंडा लीवो के बीच वाले भाग में ही लीवो की बैजिंग की गई है, और HET जो कि होंडा की होंडा एक इको टेक्नोलॉजी है, उसकी स्टिकिंग देखने को मिलती है। वही बात करें दोनों ही बाइकों के टैंक की, तो हीरो पैशन प्रो में आपको 3-टोन कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। वही होंडा लीवो में आपको मस्कुलर टैंक डिजाइन दिया गया है, जो कि स्ट्राइकिंग ग्राफिक के साथ आ रही है। दोनों ही बाइकों का सीटिंग पोजिशन लगभग में सेम ही है। वही बात करें दोनों ही बाइकों के इंजन कैपेसिटी की, तो हीरो पैशन प्रो में 113cc की एयर कूल 4-स्टॉक BS6 कॉम्प्लाइंट एक्सेंस फ्यूल इंजेक्शन दिया गया है, जबकि लीवो में 109.51cc की एयर कूल 4-स्टॉक SI BS6 कॉम्प्लाइंट PGM फ्यूल इंजेक्शन दिया गया है। और बात करें हीरो पैशन प्रो के पावर की, तो इसमें 6.73 किलोवाट की पावर है, जो कि 7500 RPM पे प्रोड्यूस करती है, जबकि इसकी मैक्सिमम टॉर्क 9.76 न्यूटन मीटर की है, जो कि 5000 RPM पे प्रोड्यूस करती है। वही होंडा लीवो की जो पावर है वो 6.47 किलोवाट की है, जो कि 7500 RPM पे प्रोड्यूस कर रही है, और इसकी जो टॉर्क है वो 9.30 न्यूटन मीटर की है, जो कि 5500 RPM पे प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर भी आपको पावर और टॉर्क हीरो पैशन प्रो में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो कि नॉर्मल सा है, आपको ज़्यादा उसमें अंतर भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें दोनों ही बाइकों की स्टार्टिंग की, तो दोनों में आपको एक और सिर्फ दोनों मिल जाएगा, और दोनों ही बाइक 4-स्पीड गियर बॉक्स के साथ आ रही है। बात करते हैं दोनों ही बाइकों के सस्पेंशन की, तो पैशन प्रो के फ्रंट में कन्वेंशनल फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलेगा, और इसके रियर में ट्विन शॉक सस्पेंशन देखने को मिल रहा है, जबकि लीवो के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और इसके रियर में हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन देखने को मिल रहा है। दोनों ही बाइकों का सस्पेंशन काफ़ी रिलायबल और स्मूथ। अगर बात करें टायर एंड ब्रेक्स की, तो हीरो पैशन प्रो के टायर फ्रंट एंड रियर में 80x100 की 18 इंच की ट्यूबलेस टायर मिल रही है, जबकि होंडा लीवो के फ्रंट एंड रियर में 80x100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल रही है। अगर बात करें ब्रेक की, तो 240mm का डिक्स एंड 130mm का ड्रम ब्रेक हीरो पैशन प्रो में मिल रहा है। वही 240mm का डिक्स एंड 130mm का ड्रम ब्रेक दोनों में आपको सेम मिल रहा है पैशन प्रो और लीवो में, और दोनों के ही रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल रहा है। दोनों का मीटर कंट्रोल आपको डिजिटल प्लस एनालॉग, मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया। हीरो पैशन प्रो में ऑटो सेल्स टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि आपको शहर में कंफर्ट ड्राइविंग प्रदान करती है। अगर बात करें ब्रेकिंग की, तो हीरो पैशन प्रो में IBS मतलब कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जबकि
होंडा लीवो में CBS मतलब ये कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, दोनों का काम सेम ही है दोस्त। अगर बात करें बैक पोर्शन की तो पैशन प्रो में सिग्नेचर टेल लैम्प दिया गया है, जबकि होंडा लीवो के बैक प्रोफाइल में स्टाइलिश टेल लैम्प दिया गया है। हीरो पैशन प्रो में i3s टेक्नोलॉजी दी गई है जो कि फ्यूल बचाने में बहुत मदद करती है। वही होंडा में इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच दिया गया है, साथ ही इसमें आपको ECG मोटर लगा हुआ है जो कि बहुत ही साइलेंट स्टार्ट करती है किसी बाइक या स्कूटर को। अगर बात करें पैशन प्रो में तो इसमें एक और एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेगा, वो है साइड स्टैंड इंडिकेटर जो कि होंडा लीवो में देखने को नहीं मिलती है। दोनों में ही मफलर क्लियर देखने को मिल रहा है। दोनों में पासिंग स्विच दी गई है लेकिन होंडा लीवो में इंटीग्रेटेड पासिंग स्विच दिया गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत और एक अलग तरह का आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें माइलेज की तो दोनों का लगभग में माइलेज सेम मिलेगा, दोनों में आपको 60 से 70 के आसपास माइलेज देखने को मिल जाएगा क्योंकि दोनों सेम 110 सीसी की गाड़ी है दोस्तों। अगर बात करें इसकी टॉप स्पीड की तो ये आपको 90-95 इसकी टॉप स्पीड देखने को मिलती है। अगर बात करें दोनों ही बाइकों के डायमेंशन की तो हीरो पैशन प्रो की जो लेंथ 1036 mm है जबकि इसकी वेथ है 715 या 739 mm है, जबकि इसकी हाइट है 1113 mm है कि इसकी रियल वेस 1270 mm है, जबकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है, जबकि सीट हाइट जो है वो 799 mm की, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर की है, जबकि कर्व वेट 113 kg या 118 kg है। अगर बात करें होंडा लीवो की तो इसकी लेंथ 2020 mm है जबकि इसकी विथ 751 mm, जबकि इसकी हाइट 1116 mm, जबकि व्हील बेस 1278 mm है। अगर बात करें होंडा लीवो के ग्राउंड क्लियरेंस की तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm है जो कि आपको हीरो पैशन प्रो से थोड़ी कम है, लेकिन अगर बात करें इसकी सीट हाइट की तो इसकी सीट हाइट 790 mm है जबकि इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9 लीटर है जो कि हीरो पैशन प्रो से 1 लीटर कम है। अगर बात करें कर्वेट की तो इसकी कर्वेट 115 kg। तो दोस्तों अब बात करेंगे दोनों ही बाइकों का ऑन रोड प्राइस की, तो हम शुरुआत हीरो पैशन प्रो से करेंगे और इसके ड्रम वेरियंट से। तो इसका ड्रम वेरिएंट का जो एक शोरूम प्राइस है वो 67,400 है और इसमें जो RTO प्राइस है वो 7,218 रुपीज़ है। इसका इंश्योरेंस प्राइस 5,028 रुपीज़ है। अगर बात करें इसका ऑन रोड की तो 79,646 रुपीज़ इसका ड्रम वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है। बात करें इसके डिक्स वेरिएंट का तो इसका एक शोरूम प्राइस 69,600 है जबकि इसका रजिस्ट्रेशन जो RTO प्राइस है वो 7,372 रुपीज़, का इंश्योरेंस प्राइस 5,069 रुपीज़। अगर ऑन रोड पे आए तो ये आपको 82,041 रुपीज़ में मिल जाएगी। अगर होंडा लीवो की बात करें तो इसका डाउन वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस 70,847 रुपीज़ है और इसका RTO प्राइस 7,459 रुपीज़, जबकि इसका इंश्योरेंस प्राइस 5,092 रुपीज़ है जो कि आपको 83,398 रुपीज़ में मिल जा रही है। इसका डिक्स वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस 75,048 रुपीज़ है और इसका RTO वो 7,753 रुपीज़ और इंश्योरेंस प्राइस 5,171 है जो कि 87,972 रुपीज़ में आ रही है। अगर बात करें हम दोनों वेरिएंट के ड्रम का प्राइस डिफरेंस का तो दोनों के ड्रम में आपको 3,500 का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जबकि दोनों ब्रांड के एक शोरूम प्राइस में आपको 5,500 के आसपास प्राइस डिफरेंस देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये फुल कंपैरिजन वीडियो था, इसमें आपको दोनों ही बाइकों का मैं सारा डिटेल दे चुका हूँ, तो आपको जिसका भी डिटेल अच्छा लगे और बेस्ट लगे आप उसको ले सकते हैं। ऐसे माइलेज के मामले में दोनों का लगभग में सेम ही है, बस आपको जिसका लुक अच्छा लग रहा है उसे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों फिर ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें क्योंकि हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद जय। Woo! Woo! Woo!